نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أجد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر أمتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله جل جلاله وأتم برهانه وأعظم شانه كي حمد وثنا درود محدودہ کے نامی دار مدنی تاجدار شب اسرا کے دلہ والی ارد و سما جان کائنات بلکہ جان دو جہان کائنات شافع عرصہ محشر نافع اسود و احمر رافع ارض و اسکر قاسم سبیل و کوثر متصریف خشک و تر بإذن رب اکبر مظہر غفار مہمان شب اسرا مقیم کسر دنا رازدار رب العلا حبیب ذات کبریا پیکر استفاء و اجتبا جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جملہ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر و احسان ہے کہ جس نے مجھ آپ کو چند لمحات
अपने घर में बैठ के अपना और अपने प्यारों का जिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाई है। मालिक मकान नाराज होना तो इंसान की जुर्रत नहीं है कि इंसान उसके घर में दाखिल हो जाए, क्या हो सकता है दाखिल? मालिक मकान नाराज हो तो बंदे की जुर्रत नहीं है कि बंदा उसके घर में दाखिल हो जाए। यह मस्जिद खुदा का घर है, जिससे खुदा नाराज होता है मस्जिद में आने की तौफीक नहीं देता। आए बैठे हैं तो ये इस बात की अलामत है कि अर्शों फर्शों का रब हमसे राजी है। जितनी देर बैठे हैं हमारी जुबान हमारा दिल अल्लाह के जिक्र से जारी रहे। ये माह शाबानुल मुअज्जम है। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान शहरी, कि शाबान मेरा महीना है, व रमदान शहरुल्लाह, और रमदान अल्लाह का महीना। दूसरी हदीस में सरवर आलम ने इरशाद फरमाया कि शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, व रमदान शहर उम्मती, और रमदान मेरी उम्मत का महीना है। बाद अहादीस से साबित होता है कि हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शाबान के पूरे महीने के रोज़ा रखा करते थे। हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि हुजूर सरवर आलम दो महीनों के मुसलसल रोज़े नहीं रखते थे, लेकिन सरवर आलम शाबान को रमदान के साथ मिलाते। यानी जिस तरह रमदान के पूरे महीने के रोज़े रखते, इसी तरह सरकार शाबान के पूरे महीने के रोज़े रखते। और सवाल किया गया, हज़रत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से सवाल किया कि जाने आलम रमदान के बाद सबसे अफजल रोज़ा कौन सा है, तो हुजूर सरवर आलम ने फरमाया रमदान के बाद सबसे अफजल तरीन रोज़ा माह शाबानुल मुअज्जम का रोज़ा। और यहां तक नहीं, हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने साहबा ने हमारे लिए कितनी राहें कुशादा की। हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैंने सरकार से पूछा, जाने आलम मैंने आपको शाबान के अलावा किसी और महीने में इतने ज्यादा रोजे रखते हुए नहीं देखा। हुजूर क्या बात है कि आप शाबान के महीने में इतने ज्यादा रोजे रखते हैं? तो जाने आलम ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि ए उसामा बिन जैद, ये शाबानुल मुअज्जम का महीना लोग इसके बारे में गफलत बरतते हैं, इसकी कदर को नहीं जानते। आपने फरमाया मैं इसलिए इस मुकद्दस महीने के रोजे रखता हूं कि इस शाबानुल मुअज्जम में बंदों के आमाल रब के हुजूर पेश किए जाते हैं, बंदों के आमाल रब के हुजूर पेश किए जाते हैं। आपने फरमाया मैं सारे महीना इसलिए रोजा रखता हूं कि जब मेरे अमल मेरे रब के हुजूर पेश किए जाएं तो उस वक्त मेरा रोजा हो, उस वक्त मेरा रोजा हो, यानी मैं उस वक्त रोजेदार हो। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के साथ निस्बत देते हुए इस माह मुकद्दस को अजमत अता फरमाई। फिर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमाने तुम्हारे जमाने के बाद अय्याम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी फजीलत अता फरमाई है। फरमाया कि तुम्हारे जमाने के बाद अय्याम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी फजीलत अता फरमाई है। उन दिनों अल्लाह के फजल की हवाएं चलती हैं, अल्लाह के करम की हवाएं चलती हैं। जाने आलम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जिन दिनों अल्लाह के फजल की हवाएं चले उनका सामना किया करो। हुजूर सरवर आलम ने फरमाया, फरमाया उनका सामना किया करो। अगर तुम में से किसी को उस हवा में से थोड़ा सा हिस्सा मिल गया ना, अगर थोड़ा सा हिस्सा मिल जाने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बदबख्त नहीं रहने देगा, अल्लाह सआदतमंद बना देगा। अल्लाह क्या करेगा? सआदतमंद बना देगा। और वो अय्याम जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल की और अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम की हवाएं चलती हैं, उनमें शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब भी है, जिसे हम लैलतुल बरात कहते हैं, यानी शबे बरात, लैलतुल बरकत कहते हैं, बरकत की रात, लैलतुल मगफिरत कहते हैं, जी मगफिरत की रात, यानी उस रात गुनाहगारों को बख्शिश का परवाना दिया जाता है, मांगने वालों की झोलियां बढ़ी जाती हैं। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा राकिया, जनाब उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं एक रात मेरी बारी थी, हुजूर सरवरे आलम मेरे उजरा मुबारक में थे, तो रात के कुछ अरसे के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सरकार मेरे उजरा मुबारक में कोई नहीं। आप फरमाते मुझे ख्याल हुआ कि क्या जाने आलम आज बारी तो मेरी है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सरकार किसी और बीवी के पास तशरीफ ले गए। आप फरमाती मैं उठी, सरकार को तलाश करती करती देखा तो सरकार जन्नतुल बकी में है और रब की इबादत कर रहे हैं। मैं करीब हुई तो सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा कहां आई हो? कहा हुजूर आपको ढूंढती हुई आई हूं। आपने फरमाया तुम्हें खौफ है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारे साथ बेइंसाफी करेगा? तुम्हें इस बात का डर है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारा हक रखेगा? अर्ज की जाने आलम मुझे यह खौफ हुआ कि आप किसी और आलिया के पास तशरीफ ले गए।
मेरी सरकार ने फरमाया, आयशा जानती हो आज कौन सी रात है? अर्थ की जाने आलम मैं नहीं जानती। फरमाया आज 15 शाबानुल मुअज्जम की रात है। 15 शाबानुल मुअज्जम को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे जलवा फरोज होते हैं, अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया पे तशरीफ लाती है, और उस वक्त अरब में जो सबसे ज्यादा जिनके पास बकरियां थी वो कबीला बनू गनम था, कबीला बनू गनम था और एक कबीला बनू कल्ब था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सोने महबूब ने इशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पे तशरीफ लाता है, अपना करम फरमाता है। उस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत बनू कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता। बकरियों का अंदाजा कोई नहीं है कबीला बनू कल्ब, फिर बकरियों के बराबर नहीं कहा, कहा जी बकरियों के बालों के बराबर भी नहीं कहा। एक बकरी के बाल का कोई अंदाजा कर सकता है? नहीं कर सकता। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि बनू कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, फरमाया बनू कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों की बख्शिश और मगफिर फरमाता है। और अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन सरकार सैयदना अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, हुजूर सरवरे आलम ने मुझे इरशाद फरमाया, फरमाया कि जब शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात आए ना, यानी जिसे मैं और आप शबे बरात कहते हैं, फरमाया जब शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब आए तो रात को कयाम किया करो। और मेरे बंदो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा साल छुट्टी दे दी, फरमाया राज के सोवो, जितना सोना पूरा करो, लेकिन एक रात तो मेरे लिए जागो ना, मेरे लिए नहीं अपने लिए जागो। सरवरे आलम ने इशाद फरमाया जब शाबान की 15वीं शब आए तो रात को कयाम करो, सुबह का रोजा रखो। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाया शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आसमाने दुनिया पे जलवा अफरोज होती है और ऐलान किया जाता है, खुदा की कसम कलेजों को ठंड पड़ती है, कैसा बाइसे तस्कीन ऐलान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद आवाज देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज क्या आती है, कोई बख्शिश मांगने वाला उसे बख्श दिया जाए। अगर आपकी जुबानें साथ देती हैं तो सुभान अल्लाह की सदा बोल सकते हैं, कैसा करीम है। फरमाया वो खुद करीम का, ओए है कोई बख्शिश मांगने वाला बख्श दिया जाए। सारा साल बंदे जाते हैं मस्जिद में आके दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह बख्श दे बख्श दे, बख्शे ना बख्शे उसकी मर्जी है। ओए आज खुद आके कह रहा हो बख्शना बख्शवाने हैं तो आ जाओ मस्जिद में, बख्शवाने हैं तो बैठ जाओ। कोई बंदा किसी के पास मांगने जाए ना तो अगले की मर्जी है दे या ना दे, लेकिन जब अगला बंदा बुलाए और बुला के कहे कि आ जाओ, इसका मतलब है कि बंदा देने के लिए तैयार है। सारा साल रब से गुनाहों की माफी मांगते हैं, गारंटी कोई नहीं कि कबूल होनी है कि कोई नहीं, लेकिन आज की रात तो वो खुद कह रहा है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्श दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत इतनी वसी है, वो तो बंदों को बख्शने के बहाने ढूंढ रही है। और किसी ना किसी तरह अल्लाह ने ये शब कदर, शब बरात, शब मेराज, रमदान की रातें, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहर्रम की पहली रातें रखी इसलिए है कि किसी ना किसी तरीके से बंदे आए मैं इनको बख्श दूं। ये आए तो सही किसी ना किसी रोक से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत तो बहाने ढूंढती है। हुजूर सरवरे आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी में हदीस पाक मौजूद है, हुजूर सरवरे आलम ने इरशाद फरमाया कि पहली उम्मतों में एक शख्स था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे बड़ा मालो दौलत अता फरमाया। सही हदीस है, फरमाया अल्लाह ने उसे बड़ा मालो दौलत अता फरमाया, औलाद से बड़ी मोहब्बत करता था, औलाद की हर ख्वाहिश हर आरजू को पूरा करता, औलाद ख्वाहिश बाद में करती, आरजू बाद में करती, पहला पूरा कर देता। फिर आखिर क्या है, बिस्तरे मर्ग पे आ गया, बीमार हो गया, बच्चों को पास बुलाया, बुला के कहा तुमने मुझे कैसा बाप पाया, बच्चों ने कहा अब्बा जी हमने आपको बड़ा शफीक बाप पाया, हम आरजू बाद में करते थे, आप पूरी पहले कर देते थे। उसने कहा बच्चों बात यह है मैं अच्छा बाप तो बन सका लेकिन अपने रब का अच्छा बंदा नहीं बन सकता, अच्छा बंदा नहीं बन सका, मैं तुमसे एक आरजू करता हूं, अगर मैं तुमसे कोई चीज मांगू तो दोगे? बच्चों ने मांगा अब्बा तेरी इतनी शफकतें, तेरी इतनी रहमतें, तेरा इतना प्यार, जान भी मांगेगा तो देने के लिए तैयार है। हदीस पाक में आता है सरवर आलम ने फरमाया, उसने कहा फिर ऐसा करना मुझे लग रहा है जिंदगी वफा नहीं करेगी, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे दफनाना नहीं है, ऐसा करना है कि मेरे जिस्म को जलाना है, जला के जब तेज आंधी चले तो मेरी जो खाक होगी उसको समंदर के किनारे हवा में फेंक देना। बच्चों ने कहा अब्बा हम तो ऐसा नहीं करेंगे, तेरी इतनी शफकतें, तेरा इतना करम, तेरा इतना प्यार, हम तुझे कैसे जलाएंगे? उसने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत की है, मांग क्या रहा हूं,
ये आरजू पूरी करना पड़ेगी। हुजूर सरवरे आलम ने इरशाद फरमाया, बच्चों ने ना चाहते हुए भी उस बंदे को जलाया, जला के उसकी राख को इकट्ठा किया, तेज आंधी चली, समंदर के किनारे फेंक दिया। इधर समंदर के किनारे फेंका गया, उधर परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसकी राख को इकट्ठा करो, दोबारा इसे हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। दरबार में हाजिर किया गया, हाँ भाई बंदे तूने खिलाफ फितरत क्यों हुक्म दिया, हमने तो हुक्म दिया दफनाने का है, तूने जलाने का क्यों हुक्म दिया। वो बंदा अर्ज करेगा, मालिक वो जो नेमत, वो जो जिस्म जिसे मैंने जलाने का हुक्म दिया, वो तेरी नेमतें खा के पला था, वो तेरी नेमतें खा खा के तेरी नाफरमानियां करता रहा, मैंने जिस्म को जलाने का इसलिए हुक्म दिया था, मालिक वो तेरी नेमतें खा खा के तेरी नाफरमानियां करता रहा, मैं कौन सा मुंह लेके तेरी बारगाह में आता, मैं कौन सा वजूद लेके तेरी बारगाह में आता। या अल्लाह तेरे खौफ ने मुझे अपना जिस्म जलाने पे मजबूर किया। परवरदिगार आलम उस वक्त हदीस पाक में आता है, फरिश्तों को इकट्ठा करके, फरिश्तों को गवाह करके कहेगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ ये बंदा हमारे दरबार में खड़े होने से डर गया, हमने इसकी बख्शिश फरमा दी। अभी हिसाब किताब का मामला तो है ही कोई नहीं, अभी हिसाब किताब का मामला बड़ी आगे है, और रब की रहमत तो बहाने ढूंढ रही है कि मैंने इन्हें बख्शना कैसे है, अमल क्या है। वो बंदा, उसे पक्का यकीन था कि मैं बख्शा नहीं जाऊंगा, मेरे अमल ऐसे है ही कौन है। लेकिन रब की रहमत बख्शने पे आए तो किसे बख्श देती है और कैसे बख्श देती है। फरमाया, जा हमने तेरे गुनाहों को बख्श दिया। और हुजूर सरवरे आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, और किस किस तरीके से मेरे रब की रहमत अपने बंदों को बख्शने के बहाने ढूंढती है। सरवरे आलम ने इरशाद फरमाया, कल कयामत का रोज होगा, दो बंदों को रब की बारगाह में लाया जाएगा, ना मैं आमाल पे उनके आमाल तराजू पे उनके आमाल तोले जाएंगे, हुक्म होगा भाई दोनों को जहन्नम की तरफ लेके जाया जाए। परवरदिगार आलम हुक्म करेंगे, भाई दोनों जाओ जहन्नम की तरफ, तराजू तोल गए, फैसला हो गया, जहन्नम में जाएंगे। दोनों का हुक्म हुआ, एक ने हुक्म सुना तो तेजी तेजी जहन्नम की तरफ जाने लगा, दूसरे ने सुना तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, पीछे मुरमुर के पीछे दोबारा चेहरे के परवरदिगार आलम के मुरमुर के चेहरे को देख रहा है। परवरदिगार आलम दोबारा फरिश्तों को हुक्म देगा, फरमाया फरिश्तों इन्हें दोबारा लाओ, दोबारा रब के हुजूर पेश किए जाएं। वो पहला जो तेजी तेजी जा रहा था उससे पूछा जाएगा, हाँ भाई तू क्यों तेजी तेजी जा रहा था, तुझे नहीं पता जहन्नम कैसी है। अर्ज करेगा, मालिक इसलिए तेजी तेजी जा रहा था कि दुनिया में तो तेरा हुक्म मानना ही कोई नहीं, ओ मैंने कहा चलो दुनिया में नहीं माना, आज यहां ही आखिरी हुक्म रब का मान लेते हैं। मालिक मैं तो तेरे हुक्म की तामील में तेजी तेजी जा रहा था। ओए दूसरे से पूछा जाएगा, तू आस्ता आस्ता क्यों जा रहा था, वो कहेगा मालिक जा तो मैं भी रहा था, तेरा हुक्म भी पूरा कर रहा था, लेकिन मुरमुर के पीछे दे रहा था, तेरा ही फरमान है ना कि ला तक ना तू मेर रहमत इल्ला, कोई अपने रब की रहमत से ना उम्मीद ना होना। ओए मुझे अब भी उम्मीद थी कि मेरा रब कहेगा जा हम तुझे जन्नत में भेजते हैं। परवरदिगार आलम फरिश्तों को मुखातिब करके कहेगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, एक ने हमारे हुक्म की तामील की उसे भी जन्नत दे दी, दूसरे ने हमारी रहमत पे भरोसा किया उसे भी जन्नत दे दी। एक ने हमारी हुक्म की तामील की, हमने उसे भी जन्नत दे दी, दूसरे ने क्या किया हमारी रहमत पे, बोलिए हमारी रहमत पे भरोसा किया, हमने उसे भी बख्श दिया। मेरे रब की रहमत तो देखो, ये तो दुनिया है, वो तो हशर के मैदान में भी अपने बंदों को बख्शने के बहाने ढूंढ रही, उसकी रहमत फिर रही है। ओए कहीं तो मिल जाए कोई बख्शिश मांगने वाले, कहीं तो मिल जाए कोई माफी मांगने वाले। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत में, वो सही हदीसें पढ़ रहा हूं, कोई किस्सा कहानी कोई नहीं, हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आखिरी जहन्नमी जो जहन्नम से निकाला जाएगा। हमारे शेख फरमाया करते थे, मेरे मुर्शिद जब ये हदीस पाक पढ़ाते थे ना तो आंखों में छम छम आंसू, और अर्ज करते काश वो आखिरी बंदा मैं होता जिसे परवाना तो मिल गया ना कि इसने जन्नत में जाना, ये बात तो हो गई ना इसने जन्नत में जाना, जन्नत में जाने का परवाना तो इसे मिल गया ना। हुजूर सरवरे आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, वो आखिरी बंदा, वो आखिरी गुनाहगार, वो आखिरी गुनाहगार जिसे जहन्नम से निकाला जाएगा, जब जहन्नम से उसे निकाला जाएगा तो उसकी कैफियत ये होगी कि उसका चेहरा जहन्नम की तरफ होगा, वो रब के हुजूर दुआ मांगेगा, ऐ मेरे मौला मेरा चेहरा जहन्नम की तरफ से फेर दे। रब कहेगा क्यों,
अर्ज करेगा, मालिक इसकी तप्श मेरे चेहरे को जला रही है, इसके जर्रात मेरे चेहरे को झुलसा रहे हैं। परवरदिगार आलम फरमाएगा, अगर हम तेरा चेहरा जहन्नम से फेर दें, इसके बाद तो किसी चीज का मुतालबा नहीं ना करेगा, इसके बाद तो कोई चीज नहीं मांगेगा। वो कहेगा, परवरदिगार आलम मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम है, मेरा चेहरा जहन्नम से फेर दे, इसके बाद किसी चीज का सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, इसका चेहरा जहन्नम से फेरो, जन्नत की तरफ करो। अब चेहरा जहन्नम से फेर के जन्नत की तरफ किया जाएगा। अब जब जन्नत की बारें देखेगा, जन्नत की रौनकें देखेगा, थोड़ी देर खामोश रहेगा। हदीस पाक में आता है, थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अर्ज करेगा, मालिक इतना करम किया कि जहन्नम से भी निकाला, जहन्नम से निकाल के जहन्नम के दरवाजे पे रखा, मेरा चेहरा उस तरफ रखा, वहां से निकाल के जहन्नम की तरफ चेहरा कर दिया है। मालिक अब थोड़ी सी करम और भी फरमा रहा, मुझे जन्नत के करीब कर दे। मेरा परवरदिगार आलम फरमाएगा, वो तूने अभी मेरे साथ वादा नहीं किया कि इसके बाद किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगा। लाड देखो अपने बंदों से कितने। वो बंदा कहेगा, मौला मुझे अपनी मखलूकात में सबसे ज्यादा बदनसीब ना बना, मौला मुझे अपनी मखलूकात में सबसे ज्यादा महरूम ना रख। मेरा परवरदिगार आलम फरमाएगा, फरमाया अगर हम तुझे जन्नत के दरवाजे के करीब कर देंगे, इसके बाद तो किसी चीज का मुतालबा नहीं ना करेगा। वो बंदा कहेगा, मालिक मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब कर दे, किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगा। हुक्म होगा, इसे जन्नत के दरवाजे के करीब कर दो। अब वो जन्नत के दरवाजे के करीब आएगा, अब जन्नत की बहारें देखेगा, जन्नत की रौनकें देखेगा, फिर रब से अर्ज करेगा, क्या मालिक उधर से यहां, यहां से वहां, अब जन्नत के करीब कर ही दिया है तो मालिक जन्नत कितनी दूर है, और तेरी शान में तो कोई फर्क नहीं आएगा। ऐ मेरे मालिक मुझे अब जन्नत में भी दाखिल फरमा दे, मालिक मुझे अब जन्नत में भी दाखिल फरमा दे। कैसा प्यार हो रहा है, कैसा लाड हो रहा है। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ओ इब्ने आदम, हैरानगी की बात है, कितना वादा खिलाफी करता है तू। पहले तूने कहा कि मेरा चेहरा जहन्नम की तरफ से फेर दें, किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगा, तेरा चेहरा जहन्नम से फेरा, फिर तूने मुतालबा किया जन्नत के करीब कर दो, जन्नत के करीब किया, फिर अब इस चीज का मुतालबा कर रहा है। वो अर्ज करेगा, मालिक मुझे अपनी मखलूकात में सबसे ज्यादा बदनसीब ना बना। जब वो ये बात करेगा, हदीस पाक में आता है, मेरा परवरदिगार आलम अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराएगा। ये देखो बंदा कैसी बातें कर, अपनी शान के मुताबिक उस बंदे के अमल पे मुस्कुराएगा, और मुस्कुरा के परवरदिगार आलम फरमाएगा, आप फरमाएगा, परवरदिगार फरमाएगा, जा बंदे हम तुझसे राजी हैं, हमने जहन्नम से निकाल दिया, अब जन्नत में दाखिला भी तुझे दे देते हैं, हमने जन्नम से निकाल दिया तो अब जन्नत में भी तुझे दाखिला दे। मेरे रब की रहमत किस तरह बहाने ढूंढती है, वो अपने बंदों को बख्शने के कैसे कैसे बहाने ढूंढती है। तफसीर इब्ने कसीर में इमाम रादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हजरत जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर पे जा रहे थे, आपका गुजर एक कब्रिस्तान के पास हुआ, आप एक कब्र के पास गुजरे तो देखा कि कब्र वाले को अजाब हो रहा है, आपने दुआ की, दुआ करके गुजर गए, वापिस आए तो देखा फिर उस कब्र वाले को अजाब हो रहा है, फिर गुजर गए, दोबारा वापिस आए तो देखा उसकी कब्र अब जन्नत का बाग बन गई है, रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र पे खड़े हैं। आप हैरान हो गए, थोड़ी देर पहले गुजरा हूं, रब की रहमत बंदों को बख्शने के बहाने ढूंढती है, थोड़ी देर पहले गुजरा हूं तो इसे तो कब्र में अजाब हो रहा था, अब गुजर रहा हूं तो इसकी कब्र जन्नत बनी हुई है, फरिश्ते रहमत के इसकी कब्र पे खड़े हैं। दो नफल पढ़े, नफल पढ़ के रब के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे मौला मेरे लिए इस राह को कुशादा कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, फरमाया ईसा ये है तो गुनाहगार, जब फौत हुआ था उस वक्त भी गुनाहगार था, लेकिन जब ये फौत हुआ था उस वक्त इसकी बीवी हामिला थी, इसकी बीवी हामिला थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे पुत्र अता फरमाया, अब वो उसका पुत्र पढ़ने के काबिल हुआ है, उसकी माँ ने उसे मदरसा में उस्ताद साहब के पास भेजा है, आज उस्ताद साहब ने उसे पहली दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है, उसने आज अपनी तोतली जुबान में मुझे रहमान और रहीम कहा है, मुझे रहम करने वाला और रहम फरमाने वाला कहा है, मैंने अजाब इसलिए दूर कर रहा है कि मैं इसे कब्र के अंदर, जमीन के अंदर मैं इसे दफनाऊं, जमीन के अंदर मैं इसे अजाब दूं, और जमीन के ऊपर इसका बंदा और इसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहे। फरमाया मुझे हया आती है,
रब की रहमत कैसे कैसे बहाने ढूंढ रही है, पुत्र के सुभान अल्लाह, पुत्र के रहमान कहने, बच्चे के रहीम कहने से मेरा रब बख्श रहा है। हजरत इमाम सुफयान सूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, फकीह भी हैं, सारी दिन की दीन की खिदमत की है, सारी दिन की दीन की खिदमत की है। इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में पूछा कि हजरत क्या मामला बना, कहा अल्लाह ने बख्श दिया। फरमाया हजरत कैसे बख्शा, फरमाया हमें हमारा ये ख्याल था, हमारा ये नजरिया था कि रब फरमाएगा कि सुफयान तूने मेरे दीन की बड़ी खिदमत की, तूने मेरे हबीब की हदीस का बड़ा प्रचार किया, तूने दीन की बड़ी खिदमत की, बड़े लोगों को अल्लाह का दीन पढ़ाया, हमें ये तेरा अमल पसंद आया, हमने इस अमल की वजह बख्श दिया है, लेकिन रब की रहमत बहाने ढूंढती है, पता नहीं उसे कौन सा अमल पसंद आ जाए, कौन सा अमल हमारी बख्शिश का दरिया बन जाए। फरमाया हमें तेरा एक अमल पसंद आया है, उसकी वजह से हमने बख्शिश फरमा दी। कहा मालिक वो कौन सा अमल है? फरमाया एक दिन तू बैठ के हदीस लिख रहा था, एक दिन तू बैठ के हदीस लिख रहा था, तूने अपना कलम दवात में डाला, दवात में डाल के निकाला, स्याही तेरे कलम के साथ थी, इतनी देर में एक मक्खी आई, आके तेरे कलम पे बैठ गई, तू चाहता तो मक्खी को उड़ा भी सकता था, तूने ये सोचते हुए कि ये मखलूक है, ये रब की मखलूक है, ये प्यासी है, तूने कलम को रोक दिया, उस मक्खी को प्यास बुझाने दी, जब वो अपनी प्यास बुझा चुकी तूने फिर उसे उड़ाया। हमें तुम्हारा ये अमल इतना पसंद आया कि तूने हमारी नन्ही मखलूक की प्यास को बुझाया है, जहां हमने तुझे जन्नत अता फरमा दी, हमने तुझे जन्नत अता फरमा दी। वहां पता नहीं किस किस बात पे हम नतारा होना है, वहां पता नहीं रब के हुजूर कौन सा अमल पेश आ जाए, कौन सा अमल रब के हुजूर कबूल हो जाए। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू जर गफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे, रब की रहमत बहाने ढूंढती है। आप फरमाने लगे कि बनी इसराइल का एक आबिद था, 60 साल पार की चोटी पर रब की इबादत की, कितने साल भाई, 60 साल, 60 साल पहाड़ की चोटी पे अपने रब की इबादत की। एक दिन किसी जरूरत की घर से बाहर निकला तो एक औरत पे नजर पड़ी, फरेफ्ता हो गया, इस कदर फरेफ्ता हुआ कि जिना में मुबतला हो गया, जिना कर बैठा, लेकिन अब अंदर ही अंदर से परेशान है, अब गमगीन है कि या अल्लाह मुझसे ये कैसा हो गया, सफेद चादर है इस पर दाग लग गया। अब उसे 60 साल की इबादत भी एक जिना के मुकाबले में अकीर नजर आ रही, 60 साल की इबादत की वैल्यू कोई नहीं, एक दिना ऊपर जा रहा है, अब परेशान है कि पता नहीं रब मुझे बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा। आप फरमाते हैं इतनी देर में उसे भूख लगी, 2 रोटियां सामने रखी हैं, खाने लगा, इतनी देर में एक बंदा आ गया, साहिल आ गया, मांगने वाला आ गया, कहा जी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, खुद भूख लगी हुई है। उसने कहा पहले पल्ले कोई नहीं रहा, अब ये अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, रोटियां उठाई उसे दे दी, खुद भूख बर्दाश्त की। सरवरे आलम इरशाद फरमाते हैं 60 साल की इबादत खत्म हो गई, 60 साल की इबादत काम कोई नहीं आई, जिना हो गया, अल्लाह ने तोबा की तौफीक नसीब फरमाई। मेरी सरकार फरमाते हैं समझते हो, जानते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बख्शिश किस अमल की वजह से फरमाई? कहा हुज़ूर अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। फरमाया रब ने फरमाया तूने हमारे एक बंदे की भूख और प्यास को मिटाया, जहां हमने तुझे बख्श दिया, उसकी रहमत तो बहाने ढूंढ रही है। और किसी ना किसी तरीके आए सही, किसी ना किसी तरीके मेरे हुजूर आए। सारी रात हुजूर सरवरे आलम ने इशाद फरमाया, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब, सारी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ऐलान कर दिया, ओए है कोई बख्शिश मांगने वाला उसे बख्श दिया जाए, ओए है कोई अपने गुनाहों पर नादिम, ओए है कोई अपने गुनाहों का इतराफ करने वाला उसे बख्श दिया जाए। दूसरी सदा यह होती है, इंसान को मसला सारा रोटी का है, दूसरा मसला ये होती है, ओ है कोई रिज्क मांगने वाला उसे रिज्क दिया जाए, है कोई रिज्क तालिबगार। मैं कहता हूं हम मोहल्ले के चूरे के पास चले जाएंगे कि हमें जरूरत है, मस्जिद में आकर रब से नहीं मांगेंगे, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक कलाम कहता है उदउनी अस्तजिब लकुम, कहा मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूं। हम पता मस्जिद में कब आते हैं, जब पता चल जाए ना आप किसी बंदे ने नहीं देने तो मस्जिद में आ जाते हैं, अल्लाह आसानी पैदा की। बंदा मोमिन का काम है पहले रब के हुजूर आए, रब के हुजूर आके अपने रब से मांगे, अपने रब से मांगे, बंदे कुछ नहीं दे सकते। मिस्र में हमारे एक बुजुर्ग थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनियावी मालो दौलत भी अता फरमाया था, उसके साथ साथ इस्लाम का हुसन भी पास था। एक दिन घर में सोए हुए हैं,
ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि तेरी बस्ती में एक बंदे को 70,000 दिरहमों की जरूरत है, जा उसे 70,000 पहुंचा के आ। उठे, गुलाम को साथ लिया, कहा यार हमारे इलाके में देख, हमारे मोहल्ले में देख, कौन सा बंदा जरूरतमंद है, किस बंदे को जरूरत है। दरवाजा दरवाजा खटखटाया, किसी को भी कोई जरूरत। कहा जी शायद मेरा ये ख्याल है, वहम है। दोबारा है, दोबारा आके सो गए। फिर ख्याल आया, फिर ख्वाब में किसी पुकारने वाले ने कहा ओए फलां जगह किसी बंदे को जरूरत है, 70,000 दिरहमों की पुचा के आओ। काम के उठा, दोबारा फिर गया, दरवाजे खटखटाए, किस बंदे को जरूरत है, कोई नहीं, सारे लोग सो रहे हैं। तीसरी दफा फिर आया कि शायद कोई ख्याल है, तीसरी दफा फिर आया, फिर ख्वाब में किसी पुकारने वाले ने कहा ओए किसी बंदे को 70,000 दिरहमों की जरूरत है, जाओ उसे 70,000 दिरहम पुचा के आओ। उठा, बड़े शान है। अब सवारी की लगाम छोड़ी, गुलाम को कहा जा सो जा। सवारी की लगाम को छोड़ के आसमानों की तरफ देख के कहने का मौला दिल भी करता खिदमत करने को, लेकिन उस बंदे तक पहुंच नहीं सकता। मालिक ये मैं सवारी छोड़ रहा हूं तेरी रजा पे, जिस बंदे को जरूरत है मेरी सवारी जाके वहां रुक जाए। सवारी चलती चलती मस्जिद के दरवाजे के आगे रुक गई, परेशान हो गया, ये वो जगह है जहां से सारे आके लेते हैं, यहां सवारी क्यों रुक गई, यहां किसको जरूरत पड़ गई। सवारी को खड़ा करके अंदर आया, आके क्या देखता है, एक बंदा सर सजदे में रख के रब से अर्ज कर रहा है, मालिक सुबह बंदे को 70,000 दिरहम देने और तेरी बारगाह से लेकर जा रहे हैं, बंदे को सुबह 70,000 दिरहम देने हैं और रब्बा तेरी बारगाह से लेकर जाने हैं। मैं कहता हूं, वो कहता है मांगो, मैं कबूल करता हूं, लेकिन मांगने का चज किसी किसी को, मांगने का चज ही कोई नहीं, मांग रहे हैं दुआ, मांग रहे पता नहीं तवज्जो किस तरफ, ख्याल ही कोई नहीं, तरफ ही कोई नहीं, इसे दुआ नहीं कहते। हुजूर सरवरे आलम ने इरशाद फरमाया, मेरी सरकार ने फरमाया जो गाफिल दिल के साथ दुआ मांगी जाती है वो दुआ रब के हुजूर कबूल नहीं होती, दुआ वही कबूल है जो तरफ के साथ मांगी जाए, दुआ वही कबूल है जो हाजिर दिल के साथ मांगी जाए। अब उसने क्या किया, उसने समझ लिया कि यही बंदा जिसे जरूरत है, करीब हुआ, करीब करके कंधे पे हाथ लगा, हाथ लगा के वो थैली निकाली, थैली निकाल के उसे दी, उसने वो थैली पकड़ी और पकड़ के जेब में डाला और कहा बाबा देखा भी नहीं क्या है, कहा ये दिरहम है, कहा बाबा कितने हैं ये भी नहीं देखा। उसने कहा मैंने रब से 70,000 मांगे थे तो उसने 70,000 ही भेजे होंगे, मांगे जब मैंने 70,000 थे तो मेरे रब ने 70,000 ही भेजे होंगे। उसने क्या किया, उसने कहा ये बंदा तो वाकई को पहुंचा हुआ है, जात पे तवक्कुल है, रब की जात पे तयकुन है। उसने क्या किया, जेब से अपना एड्रेस निकाला, एड्रेस निकाल के ऊपर अपना नंबर लिख के दिया, अपने इलाके का नाम, अपने घर का नंबर लिख के दिया, कहा हजरत आज के बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो ये मेरा एड्रेस है, आप खुद नहीं किसी बंदे को भेज देना, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, जब जी चाहे आप आ जाइए, आपके लिए दरवाजे खुले। उसने कहा बाबा अपना एड्रेस अपने पास रखो, कहा हजरत नहीं आप कबूल कर ले। उसने कहा इसलिए कबूल नहीं करूंगा कि तू एक दफा देगा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, आखिर तेरे चेहरे पे बाल आ जाएंगे, मैं तुझसे क्यों मांगू, मैं तुझसे क्यों मांगो। आपने फरमाया मांगोगे किससे, कहा मैं उस रब से क्यों ना मांगू जिसने सोते में तुझे जगा के भेजा है, मैं तुझसे क्यों मांगू, मैं उस रब से ना मांगू जिसने सोते में जगा के भेजा, जा मेरे बंदे को जरूरत है। ओए मांग के तो देखो, कायनात के चूरों के पास चले जाते हो, ओए एक दफा तो रब के हुजूर आके मांग के देखो, मौला मेरी मुसीबत को दूर फरमा। और वो रात शबे बरात जो आने वाली है, वो बरकतों वाली रात, वो रहमतों वाली रात, उस रात तो खुदा खुद आसमान दुनिया पे आए, अपनी शान के मुताबिक जहूर फरमा के कहेगा ओए है कोई बख्शिश मांगने वाला, बख्श दिया जाए, ओए है कोई रिज़्क़ का मुतलाशी, आके तो देखो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, आप फरमाते एक बादशाह था तो उसने अपने दरबार में एक बरूपिया रखा था। पहले बादशाह बरूपिया रखा करते थे, बरूपिया कहते हैं वो जब बादशाह का अब मूड ठीक ना हो तो फिर अपना रूप चेंज करके आता और बादशाह का दिल बहलाता था, तो जब भी अपना रूप चेंज करके आता तो बादशाह पहचान लेता कि ये तो वही है, जब भी रूप चेंज करके आता तो बादशाह पहचान लेता। एक दिन बादशाह के पास आया कि कहने लगा बादशाह तुझे तूने मुझे जिस काम के लिए रखा हुआ है वो काम तो मैं कर ही कोई नहीं रहा, जब भी मैं रूप चेंज करके आता हूं तू मुझे पहचान लेता है, एक मौला दे दे, अब ऐसा रूप धार के आऊंगा तो कि तू पहचान नहीं सके। बादशाह सलामत ने कहा जा पड़ा, तू मेरे दरबार में ही पला बड़ा है और यहां ही तूने ये कैसे हो सकता कि मैं तुझे पहचान ना सकूं। उसने कहा बादशाह सलामत अब नहीं पहचाना जाए। बादशाह सलामत ने कहा अगर तू रूप धार के आया
और मैं तुझे ना पहचान सका तो आधी सल्तनत मैं तेरे हवाले कर दूंगा, लेकिन अगर मैंने पहचान लिया तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। उसने कहा जी कबूल है। आया, वक्त गुजरा, दाढ़ी रख ली, सर पे अमामा सजाया, जुगा जुब्बा कुबा पहना, हाथ में आसा लिया। पहला ये पहले ये होता था कि गांव की तरफ सिर्फ एक ही रास्ता जाता था। आके उस रास्ते पे बैठ गया, ओए आओ तो सही। आके अल्लाह 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 की सदाएं करने लगा। पास एक बंदा गुजरा, उसने कहा कि अल्लाह वाले कोई आ गए हमारे आस्थाने पे, हमारे यहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। उसने कहा ये अल्लाह वाले हैं और हमारे गाँव को इन्होंने जीनत बख्शी है। वो उस वक्त उसने जो सब्जी लगाई हुई थी उसने वो सब्जी ली, ला के हजरत के पास रख दी। अगले दिन दोबारा आया तो देखा कि हजरत ने कोई शायद कोई नहीं खाई। जाके लोगों को बताया, ओए हमारे यहाँ दरबार में हमारे करीब में वो एक अल्लाह वाले आए हैं, आओ उनके पास आओ, दुआएं करवाओ। ये बात आपको पता है फैलती है, बात चलती 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 लोगों में फैल गई। लोग आते हजरत के पास, हजरत का काम यह है सिर्फ नमाज पढ़ते, नमाज के बाद आगे जुब्बा है, सर के आगे कपड़ा है, अल्लाह 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 की सदाएं करते। बात चलती चलती बादशाह के दरबार तक पहुंच गए। कोई अल्लाह वाला हमारी सल्तनत में आ गया। बादशाह अल्लाह वालों का कदरदान था। उसे ख्याल आया कि वो बंदा मुझे ये कह के गया है कि मैं रूपदार क्या हूँगा, तू पहचान नहीं सकेगा। बादशाह ने टीम तश्कील दी, जाओ देख के आओ वो है कि कोई वाकई अल्लाह वाला है, कोई और चाहिए ना हो। अब इसे भी पता था कि बादशाह बंदे भेजेगा। अब वो बंदे आए, इसने कोई वीक पॉइंट नहीं दिया, अपना सही मानों में अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद है। उन्होंने जाके बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत कोई और नहीं, ये वाकई कोई अल्लाह वाले। बादशाह सलामत ने ऐलान कर दिया, जी जुमे रात को हम उस अल्लाह के वली की बारगाह में जाएंगे, जाके हम सलामी पेश करेंगे। कहा जी ठीक है। बादशाह सलामत आ गए, आके सामने बैठे, अंदर से ये डर रहा है, अभी पकड़ा गया अभी पकड़ा गया अभी पकड़ा गया। बादशाह ने कहा हुजूर हमारे लिए दुआ कर दीजिए। हाथ उठाए तो दुआ कर रहा है, अंदर से डर रहा है, अभी पकड़ा गया। बादशाह की समझ में कोई नहीं आया। बादशाह ने कहा हम अगली जुमेरात फिर आएंगे। बादशाह वापिस जाने लगा, बादशाह ने ऊंट दूसरी तरफ चेहरा किया, उठा, उठ के बादशाह के कदमों में गिर गया, कदमों को हाथ रख के कहता हुजूर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, जान की अमान। उसने कहा अल्लाह वालों आप मेरे कदमों में कैसे, आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हो, मैं गुनाह, मेरे कदमों को छोड़िए, मैं आपको जान की अमान क्यों। उसने कहा हजरत आप अल्लाह की जान की अमान दीजिए, आप जान की अमान दीजिए। कहा जी मैं आपको जान, कहा हुजूर जान की अमान दीजिए कुछ अर्ज करो। बादशाह ने कहा जा तुझे जान की अमान दी। उसने वो सर से दस्तार उतारी, जुब्बा उतारा, उतार के कहा बादशाह अब नहीं पहचाना गया। बादशाह सलामत ने कहा वाकई तुझे मान लिया है, तूने ऐसा रूप धारा है कि मैं वाकई तुझे नहीं पहचान सका। बादशाह सलामत ने कहा मेरा तेरा ये मुआहदा हुआ था, मैंने कहा था कि अगर तुझे ना पहचान सकूं तो कायनात की आधी सल्तनत तुझे दूंगा, अपनी आधी सल्तनत तेरे हवाले करूंगा, आ जा मैंने तुझके साथ जो वादा किया था, आ जा आधी सल्तनत तेरी आधी सल्तनत मेरी है। हाथ जोड़ के कहने लगा बादशाह तेरी सल्तनत तुझे मुबारक हो। और उसने कहा पहले तो टगों के लिए मरता था, आज क्या हो गया, तुझे सल्तनत की पेशकश कर रहा हूं, सल्तनत को नहीं ले रहा। उसने कहा बादशाह सलामत बात यह है कि अभी झूठी मूठी अल्लाह वालों का रूप बनाया है, हकीकी मानों में कोई नहीं, आकर तो देखो और रब के हुजूर झुक कर तो देखो, अल्लाह वालों का रूप धार कर तो देखो। कहा अभी झूठी मूठी अल्लाह वालों का रूप बनाया है, अल्लाह ने वक्त का बादशाह कदमों में बैठा दिया है, अगर हकीकी मानों में रब की इबादत करूंगा तो कितना करम फरमा। अभी तो झूठी मूठी अल्लाह वालों का रूप बना है, हकीकत में रब को पुकारा कोई नहीं, हकीकत में रब की बंदगी की कोई नहीं, अभी तो झूठी मूठी उसके दरबार में बैठा हूं, वक्त का बादशाह मेरे कदमों के आके बैठ गया है, अगर हकीकी मानों में अपने रब की इबादत करूंगा तो रब कितना नवाजेगा। मैं कहता हूं सारी जिंदगी की शामें आपने अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारी हैं, ये शब हुजूर सरवर आलम ने इशाद फरमाया ये शब अपनी रजा के लिए, अपने रब की रजा के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, रजा के लिए। सारी रातें इंसान कितनी रातें खुद जगा दे जाके गुजार देता, एक रात तो अपने रब की रजा के लिए जागो, रब के हुजूर अर्ज करो, मालिक की कदर करो, मालिक तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए मालिक उस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पे उसकी रहमत आएगी, अपनी शान के मुताबिक आके ऐलान करेगा ओए है कोई बख्शिश मांगने वाला उसे बख्श दिया जाए, ओए है कोई गुनाहों से माफी मांगने वाला उसे बख्श दिया जाए, ओए है कोई रिज़्क मांगने वाला उसे अता किया जाए, ओए है कोई मुसीबत में मुबतला है कोई मुसीबत में गिरफ्तार उसे मुसीबत से छुटकारा दिया जाए,
हुजूर सरवर आलम फरमाते हैं ये सदाएं सारी रात जारी रहती, हत्ता के तुलुए फजर तक जारी रहती हैं। मांगना क्या है? वो एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, वो साइम चिश्ती का शेर है। उसने कहा था, वो कहने लगा, मांग लो चश्मे तर मांग लो। मांगना क्या है रब की हुजूर से? कहा मांग लो चश्मे तर मांग लो। कहा आज रब आसमाने दुनिया पे अपनी शान के मुताबिक आया है, ओए मांग लो ओए चश्मे तर मांग लो। ओए मांगना है तो रब से रब की याद में रोने वाली आंख मांग लो, रब से रोने वाली आंख मांग लो। कहा जी क्यों? कहा हुजूर सरवर आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मोमिन अल्लाह के खौफ की वजह से रोता है, अल्लाह के खौफ की वजह से जब बंदा मोमिन की आंख से आंसू निकलता है, हुजूर सरवर आलम ने इरशाद फरमाया, अभी वो आंसू रुखसार पर नहीं आता, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को बख्श देता, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को बख्श देता। बड़ा भी टेल लगा लेना तो रोना कोई नहीं आता, बड़ा भी टेल लगा ले तो नहीं आता। उसकी वजह ये सख्त हो गए हैं, हक मार मार के लोगों की नाफरमानियां कर करके ये सख्त हो गए हैं। तरला डाला किसी ने किसी बुजुर्ग के आगे, कहा हजरत टेल लगा ले तो रोना नहीं आता, आसरा कर ले तो रोना नहीं आता। कहा अल्लाह तुम्हें रोलाना नहीं चाहता। और रोना नहीं आता तो कम अज कम रोने वाला मुंह तो बना सकते हो ना। अल्लाह तुम्हारे और कुर्बानी के मौके में फरमाया, अल्लाह को तुम्हारा खून नहीं पहुंचता, अल्लाह को तुम्हारा गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह को तुम्हारा तकवा पहुंचता है। और फरमाया हम तुम्हें रुलाना नहीं चाहते, तुम्हारे अंदर की कैफियत देखना चाहते हैं कि तुम्हारी कैफियत क्या है। फरमाया रोना ना भी आए तो कम अज कम रोने वाला मुंह तो बना सकते हो ना। वो शायर कहता, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा, सारे बोलिए मांगने का मजा आज की रात, मांगने का मजा आज। ओए वो मांग कर तो देखे, अपना दामन फिला कर तो देखे। मेरे उस्ताजुल मुकरम हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद शेर खान साहब सदर दारुल इफ्ता दारुल मोहम्मदिया गोसिया बेरा शरीफ, वो फरमाने लगे, आप फरमाते हैं कि मेरा एक संगी था कंगाल है, पल्ले शह भी कोई नहीं, तो मैं उमरा शरीफ के लिए गया तो वो भी उमरा शरीफ के लिए आया हुआ था। मुझे कहने लगा हजरत आए मैं आपको अपने घर ले चलूं। वो मैंने कहा यहाँ किसका घर है, यहाँ किसका घर आ गया? कहने लगा हजरत आप आइए। आप फरमाते हैं मुझे ले आया, आके उसने एक कमरा था, कमरे को चाबी उसके पास थी, उसने चाबी खोली, पुराने वक्तों का बना हुआ, अंदर बैठ गया। मैंने कहा तेरे पास ये घर, तेरे पास ये कमरा कहां से आया? कहने लगा ये घर मुझे मेरी सरकार ने अता फरमाया, ये घर मुझे मेरी सरकार ने फरमाया। ये कैसे? कहने लगा कुछ साल पहले मैं मदीना शरीफ हाजरी के लिए आया था तो मेरे एजेंट ने मेरी रहायश कोई नहीं डाली थी, मक्का मुकरमा में रहा तो यूं ही मस्जिद में रहता रहा। अब मदीना तय्यबा में आया ना तो आके रोजा रसूल के सामने बैठ के अर्ज की, जाने आलम इतने दिन हो गए घर कोई नहीं, आपकी बारगाह में आया हूं और घर लेकर जाऊंगा। मांगने का सलीका और तरीका भी किसी किसी को आता है। कहने लगा हुजूर तुहाडे दर ते आया ते कर भी लेके जान। कहने लगा रोजा रसूल के सामने बैठा हुआ यही अर्ज कर रहा, आका घर चाहिए, आका आपके शहर में घर चाहिए। आप फरमाते इतनी देर में एक बंदा आया, आके उसने चाबी मुझे पे कराई। मैंने कहा ये चाबी किसकी है? कहा आपके घर की है। और कहा मेरा घर कहां से आया? कहा मैं लाहौर का रहशी हूं और मेरा अंदाज या तरीका यह है, मैं यहां मदीना तय्यबा में रहता हूं, जब से मैं मदीना तय्यबा में रहता हूं मेरा दस्तूर यह है कि मैं हर रोज एक बंदे को पाकिस्तानी को खाना खिलाता हूं। आज कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था, मैंने रोजा रसूल पे बैठ के अर्ज की, जाने आलम कोई मेहमानियत आ फरमाइए, तो मेरी ख्वाब में जाने आलम तशरीफ लाए और तेरी शक्ल दिखा के कहा आज खाना नहीं, वो तेरे पास जो कमरा है वो मेरे गुलाम को चाहिए, तो मैं उठा हूं उठ के आया हूं, सामने तेरी नजर पड़ी है, मैंने देखा जो ख्वाब में दिखाया गया वो यही है, तो आज के बाद मैं तुझे ये कमरा देता हूं, रहती दुनिया तक जब भी तू आएगा ये कमरा तेरे नाम का है। इसलिए शायर कह रहा है कि मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। ओए तरब पैदा करके तो देखो, दिल में आरजू पैदा करके तो देखो, तलब पैदा करके देखो। हमारे लखनऊ के एक नवाब साहब थे, उन्हें अमली मजाक करने का बड़ा शौक था। अमली मजाक कहते हैं हाथों के साथ, जिसे कहते हैं शेरखानी करनी, हाथों के साथ अमली मजाक करने का बड़ा शौक था।
लोगों के साथ मजाक करते, लोग गुस्सा करते, और किसी सियाने ने मशवरा दिया माल गदाम भी तेरे पास काफी है, ऐसा कर लो कि गुलाम रख लो, गुलाम के साथ मजाक किया करोगे गुलाम गुस्सा नहीं करेगा। उसने एक नौकर रख लिया, जब तुरंग होती तो उस गुलाम के साथ मजाक कर लेता। अब वक्त गुजरता गया, एक दिन जेल में ख्याल आया, यार सारी जिंदगी दुनिया ही कमाइए, तिहाज मेरे तो फर्ज है, तिहाज ही ना कर रही है। जेन में ख्याल आया, ओला मां कहते हैं वहां जाके किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, मैं तो ना चाहते हुए भी बच नहीं सकता, मुझे तो आदत है लोगों को मजाक करने की, मैं तो छेड़खानी करता हूं, अगर वहां जाके किसी को तकलीफ पहुंचाई तो उमरा हज किस काम का। इतने में जेन में ख्याल आया, यारो वो नौकर किस काम ले रखे है, उन ही ना नाल ले जाइए। मैं कहता हूं इतना सा अरसा लगता है वहां से बुलावा आने को, इन्ना को वक्त आया। गुलाम के आस्तन आग उसके दरवाजे पे दस्त रख दी, वो बाहर निकला, हजरत आप कहां आ गया, वो फलाने दिन ऐसा आज ते जाना है तैयारी का, हजरत मैं किथे थे, ओ आज अखराजात मेरे को इन कोई नहीं, आ गया यही तो दसन आया, उत्थे जान ली पैसों की जरूरत कोई नहीं, उत्थे जान ली पैसों की जरूरत कोई नहीं। मैं ये भी पैगाम देता हूं, इजाजत हुक्म है ना, तड़प पैदा करो, लेकिन मैं अपने जवानों को पैगाम देता हूं, जहां एक कमेटी उमरा डा जहां कमेटी मोटरसाइकिल लेने के लिए, जहां कमेटी मोबाइल लेने के लिए, जहां कमेटी आलीशान घर बनाने के लिए डाली हुई है, वहां एक कमेटी इसलिए भी डाले ना कि मैंने अल्लाह के महबूब का घर देखना, मैंने अल्लाह का घर देखना हो, और नहीं दिल करता कि हम उन हवाओं में सांस लें, हम उन फजाओं में सांस लें जिन फजाओं में मेरी सरकार ने सांस लिए, उन गलियों को देखे जिन गलियों में मेरी सरकार बसते रहे। आज ये शबे बरात की रात, अपनी दुआओं में इस दुआ को भी शामिल रखना है, मालिक हमें बार बार अपने अपने प्यारे महबूब के घर की बाद बादरी नसीब फरमा, इस दुआ को शामिल करना है। वो आगे दरवाजे पे आके दस्तक कहा, जी फुलां तारीख को हमने आज पे जाना है, उसने कहा जी कोई बात नहीं हम चलेंगे। अब तैयारी हो गई, दोनों मक्कातुल मुकरमा में आए, अब उसे तुरंग होती मजाक करने की, लेकिन फिर दिल में ख्याल आता यार है तो ये बंदा ही, हो सकता है मैं इसके साथ मजाक करूं तो ये गुस्सा कर ले, और मैं पैसे दे के कुछ चीज दे के माफी तलाफी भी कर लूं, हो सकता है ये फिर भी दिल में कोई बात रखे, तो मैं करता ही कोई नहीं। मक्का तो मुकरमा में रहा, हज किए, उमरा किया, कोई मजाक नहीं किया। अब मदीना तैयबा में आया, मदीना तैयबा में भी तो रोलंग हुई तो मजाक कोई नहीं किया, कहा यार इतनी मेहनत की है, अगर ये गुस्सा कर गया तो कारी, गुस्सा कर गया तो जाया, लेकिन जब मदीने से दोबारा आना था ना वापसी, और मैं कहता हूं इस पूरे टूर में दो बातें बड़ी ही मुश्किल हैं, एक जब खाना काबा पे पहली नजर पड़े, और एक जब रोजा रसूल पे आखिरी नजर पड़े। मोमिन कसीना पाश पाश हो जाता है, मर के दोबारा जीते हैं जो तेरे दरबार से आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीर। वो जब आखिरी सलाम करके वो आया ना सेठ, उसने कहा यार ये तो इसे तो मैं लाया था मजाक करने के लिए, मजाक तो इसके साथ किया ही कोई नहीं, ये तो फ्री में ही आज करके चला जा रहा, तो ऐसा ना हो कि जाते जाते इसे मजाक ही ना कोई कर ले। उसके जेन में ख्याल आया, उसने जेब से पर्ची निकाली, बात तरफ की है, उसने जेब से पर्ची निकाली, पर्ची निकाल के उस पर लिखा कि फुला बिन फुला मेरे दरबार में हाजिर हुआ, मैंने इसका सलाम भी कबूल किया, जन्नती होने की बशारत भी दे रहा। पर्ची रख के उसने जेब में डाली, वो गुलाम आखिरी सलाम करके तड़पता हुआ आया, आके उस नवाब साहब ने पूछा ओए सलाम कर रहा है, कहा जी कर रहा हूं, कहा वहां से क्या मिला है, कहा वो ऐसी बारगाह है जहां से खाली लुटाया नहीं जाता, वहां से तो झोलियां भर के लुटाया जाता है, कहा मैं तो सलाम करने गया था, मुझे तो ये चिट्ठी मिली है। उसने चिट्ठी पढ़ी, लिखा हुआ था फलाम बिन फलाम मेरे दरबार में हाजिर हुआ, मैंने इसकी हाजिरी कबूल की, जन्नती होने की बशारत दे रहा हूं। चिट्ठी पढ़ी तो तड़प के रोदे की तरफ मुंह करके करला के कहने लगा, हुजूर हमें तो बताया गया था कि गरीबों का आसरा यही है, हुजूर हमें तो बताया गया था कि गरीबों का आसरा सिर्फ नबी का रोजा है, हुजूर आपके दर में भी अमीरों फकीरों का फर्क है। मैं कहता हूं जिसे पता चल जाए कि मेरे साथ वाले की हाजिरी कबूल है, मेरी हाजिरी कबूल कोई नहीं, उसकी तरफ का कोई अंदाजा लगा सकता है, तरले लेता है, कुरलाता हुआ वो खुश हो रहा सेठ कि देखो जी मेरा काम पूरा हो गया। तरले लेता हुआ सेठ से कहने लगा कितनी देर है वापसी में, उसने कहा फौरन निकलना है, कहा दो चार मिनट दे दे। दौड़ता हुआ रोजा रसूल के सामने आया, आके अर्ज करने लगा और मेरे संगियों बात सारी तरफ की है,
आके अर्ज करने लगा, हुजूर तुहाडे दर ते भी अमीरा फकीरां दा फर्क है, हुजूर ओनू चिट्ठी तो मैनू शाही कोई नहीं। रोता हुआ करलाता हुआ, मैं और आप उसकी तरफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। रोता हुआ करलाता हुआ रोदा है रसूल के सामने बैठ के, मेरी सरकार को पुकार है, हुजूर ओनू चिट्ठी तो मैनू चिट्ठी कोई ना। इधर सर की आंख लगी, उधर दिल की आंख खुली, मेरी सरकार खाम में तशीफ लाए, सीने से लगा के कहा बेलिया परेशान क्यों होना है, अर किती हुजूर ओनू चिट्ठी तो मैनू शाही कोई ना। मेरी सरकार ने सीने से लगा के चिट्ठी लेके दी, फरमाया जा हमने तेरी हाजरी कबूल की, जनती होने की बशारत भी दे रहे हैं, तेरा सलाम भी कबूल है। अब उठा तो झटके के साथ, देखा तो चिट्ठी हाथ में थी। अब जिसे पता चल जाए कि मेरी हाजरी कबूल हो गई है, उसकी खुशी का अंदाजा भी कोई लगा सकता है? उसकी खुशी का अंदाजा भी कोई कर सकता है? कोई नहीं। अब छलांगे लगाता हुआ दौड़ता हुआ सेठ साहब के पास आया, आके कहने लगा बादशाह वो चिट्ठी सानू भी मिल गई जे। वो कहने लगा मेरे साथ मजाक कर रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहा है। कहा जी नहीं। उन्हें आखा ये चिट्ठी कहां से मिली? कहने लगा ये चिट्ठी बारगाहे रिसालत से मिली है। गुलाम कहने लगा, वो सेठ कहने लगा ओ शदाया ओ मैंने तो तेरे साथ मजाक किया था। गुलाम कहने लगा बादशाह सारी उम्र मजाक किया जे, खुदा दी कसमे तकलीफ ही हुई है, आज मजाक करके चस नीजे करा दीती, तुसा मजाक किया ते गरीब का काम बन गया, तुसा मजाक किया ते गरीब का काम बन। बात यह है कि बात वही बात है, जितनी दिल में तरब पैदा होगी वहां से उतना बलावा आएगा। सारियां रातां अपनी मर्जी नाल गुजारियां ने, यह रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आसमान दुनिया पर आपको बख्शने के लिए, अपने बंदों को बख्शने के लिए उसकी रहमत आसमान दुनिया पर तशरीफ लाएगी। हत्तल इम्कान आज अपने मस्जिद में बैठ के अपने रब से वादा करके जाए कि मालिक ये शबे बरात सारी रात मैं जाके गुजारूंगा, अगले दिन का इंशाल्लाह मैं रोजा रखूंगा। मस्जिद में आने का इसलिए कहता हूं कि जब मस्जिद में लोग आते हैं ना तो फिर वो कहते हैं कि जब चार लोग इकट्ठे हो जाएं तो उनमें जो बंदा नेक होता है उसकी बरकत से अल्लाह हमारी हाजरी भी कबूल कर लेता है। बात यही है कि मांगने का मज़ा आज की रात है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए, बाद में आपको